नमस्कार, सत्ता के सेमीफाइनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अल्पना। आज अमरउजाला.com की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के महू। आज महू की जनता की राय और जनप्रतिनिधियों की दलीलों के साथ महू में मौजूद है हमारे सहयोगी वैभव कुमार। तो सीधे चलते हैं वैभव के पास और जानते हैं क्या कहती है महू की जनता और वहां के जनप्रतिनिधि। जलता, हमने दिन भर महू की जनता से उनकी राय जानी, लेकिन सबसे पहले बता दें महू के बारे में, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली थी और यहाँ का इतिहास काफी पुराना है। लेकिन अब राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर लोगों के सवाल कई थे और उन सवालों पर आने से पहले आपको बता दें हमारे साथ रामकिशोर शुक्ला जी हैं जो कि इंदौर जिला उपाध्यक्ष बीजेपी की तरफ से, और उनके साथ और भी कई साथी हैं बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे, और कांग्रेस की तरफ से कैलाश पांडे जी जो कि पार्षद भी हैं और कांग्रेस के कई प्रतिनिधिगण यहाँ पे हैं। और सबसे पहले यहाँ के समीकरण बता दें, यहाँ राजनीतिक समीकरण, कि पिछले 10 साल से यहाँ पर बीजेपी सत्ता में काबिज है। विधायक है यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय, उससे पहले यहाँ पर विधायक कांग्रेस के थे। तो सबसे पहले सर आपको बता दें, आपसे ये सवाल करें कि आपने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। पिछले 10 वर्षों के अंदर कैलाश जी के नेतृत्व में लगभग 2,500 करोड़ के कार्य हुए हैं और उसमें जिस ब्रिज से अभी आप आए हैं, देखा होगा आपने, वो ब्रिज नहीं था पहले और आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी और जिसके कारण कभी कभी सीरियस पेशेंट का देहांत भी हो जाता था। उसके साथ ही एक गुजरखेड़ा के उस पर भी एक बनाया गया और ब्रिज, ऐसे ही ये दो ब्रिज एक इतनी बड़ी सौगात है मऊ के लिए, जिसका पिछले 10 वर्ष अंतर सिंह दरबार विधायक रहे उसके पूर्व में एक भी कार्य कोई बता दे कि इतना बड़ा कोई भी एक कार्य अंतर सिंह दरबार ने क्षेत्र में किया हो। अच्छा, जब इतना अच्छा काम किया कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो उन्होंने ये सीट छोड़ी क्यों? उन्होंने संगठन को महत्व दिया और उन्होंने घोषणा करी कि मैं कभी भी विधानसभा या लोकसभा का कोई भी चुनाव में नहीं लड़ूंगा। अभी कल के ही समाचार पत्रों में ये उन्होंने दिया है, इस कारण कि दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाए, नए लोगों को, और वे अपना नए लोगों को मौका दे करके उसका नेतृत्व को उभारा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्थानीय बड़ा चेहरा जो था वो आपका नाम सामने आ रहा था, तो आपको पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? कोई नाराजगी थी? आप जैसा कि अंदर की खबर है नाराज तो आप भी थे थोड़े से। नहीं, नाराजगी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो क्या संगठन प्रमुख है, संगठन का जो आदेश हो जाता है वो कार्यकर्ता सर आंखों पर रख करके और उसमें हम लोग पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हुए, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, नाराजगी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर कलह देखा गया था। आपने उषा ठाकुर का पुतला जलाया था, आप भी वहां पर मौजूद थे। जब जनता के बीच ये मैसेज जाता है तो जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? जब पुतला जलाया गया उस समय मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, मैं कैलाश जी के पास में था। जब मैं वहां से आया उसके पूर्व में पुतला जलाया जा चुका था। पार्टी में आक्रोश समर्थकों का स्वाभाविक है क्योंकि सभी के अपने अपने समर्थक होते हैं और उसमें जब उनके समर्थक को टिकट नहीं मिलता है तो उनके समर्थक निश्चित रूप से आक्रोश होने के कारण। तो अभी मान मना हुआ आपने कैसे किया समर्थकों का? 24 घंटे के अंदर सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब पार्टी में एक साथ मिलकर एकजुट होकर के जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे सब लोग एकजुट होकर पूरी ताकत से उषा जी को विजयी बनाने में जुट गए हैं। चलिए ठीक है, कैलाश जी अब आपके पास आते हैं। ये दावे करते हैं कि इन्होंने काफी विकास किया है, वो आपका क्या मानना है इनके विकास के कार्यों में, इनके जो दावे हैं उनमें कितना दम है? 0% दम लगता है मेरे को तो, क्योंकि जितने विकास किए इन्होंने ज्यादातर कागजों पे किए हैं। पुलों का जहां तक निर्माण है कांग्रेस के टाइम पे स्वीकृति हो चुकी थी उनकी। स्टेडियम हम लोगों ने बनवाया, हम लोग अंतर सिंह दरबार जब विधायक थे, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय हम लोगों ने उसका भूमि पूजन किया। पूरी गैलरी वगैरह 90% हम लोगों ने बना चुके थे। उसके बाद सरकार बदल गई और इन्होंने आखिरी लीपापोती करी। जैसे अभी बंडा बस्ती के अंदर इन्होंने 19 लाख का काम किया और 50 साल पुरानी बिल्डिंग के ऊपर अपना पत्थर लगा दिया, रंगाई पुताई करके उस बिल्डिंग को। इस प्रकार के विकास हुए हैं, 2500 करोड़ की ये लोग बात कर रहे हैं। कल मैं टी गया था, वहाँ के लोग पूरा बोल रहे थे कि साहब पहला चुनाव जब कैलाश विजयवर्गीय जी लड़े थे तो उन्होंने सड़क बनाने के लिए एक नरियल फोड़ा था, अभी तक वो सड़क नहीं बनी। उसके बाद अभी आकाश विजयवर्गीय का जब लड़ने का चल रहा था मऊ से तो एक नरियल उन्होंने भी आके उसी सड़क के ऊपर फोड़ दिया। अभी खुर्दी गांव गया था मैं कांग्रेस के कार्यालय के उद्घाटन के लिए, वहां भी मैंने देखा मानपुर से लेकर खुर्दी तक की ऐसी सड़क थी कि आप 2-व्हीलर भी उसके ऊपर नहीं चला सकते। आप हरसोले आम जनता से ही जानते हैं कि दोनों में से किनके दावों की सच्चाई है। चाचा आ गया है, आपका नाम क्या है?
नहीं, मेरे को नहीं बोलना। आपका नाम क्या है ये तो बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सादिक। थोड़ा जोर से बोले, आवाज वहाँ तक जानी चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं? हाँ, मैं तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी का दावा है कि उन्होंने 2500 करोड़ का विकास किया है यहाँ पे, आपको विकास दिख रहा है? नहीं, ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा अभी। आपको कहाँ कहाँ कमियाँ लग गई इनके काम में? काम में तो बहुत कमी है इनके। किस तरह से? बहुत कमी है ये कामों में तो। आप अपना नाम बताएं सर। मुकेश आ गया जी। मुकेश परदेसी। मुकेश जी, आप क्या करते हैं? लॉन्ड्री का काम। लॉन्ड्री का काम करते हैं। जो विकास के दावे कर रहे हैं ये, और उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया, आपको किनके दावों में सच्चाई लग रही है? बीजेपी वर्गी जी, बीजेपी। उन्होंने विकास किया है? कहां कहां विकास हुआ? नारेबाजी नहीं करें सर, नारेबाजी नहीं करें, शांत चर्चा होगी। हाँ, सिमरोल रोड पे ब्रिज बनाए, इंदौर रोड पे ब्रिज बनाए, और सड़कें बनी है गाँव के अंदर, बहुत सी सड़कें बनी है। जिधर पत्थरे थी वहाँ पे सड़कें बन गई है बहुत सारी, मतलब सब सड़कें मतलब जुड़ गई है गाँव से शहर से, तो इतना विकास करें बहुत ठीक है। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास किया है यहाँ पे, खर्च किया उन्होंने। कांग्रेस कह रही है कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है, उन्होंने ही पास करा दिए थे सारे काम पहले, इन्होंने सिर्फ इतना काटा है। किनके दावों में सच्चाई है? भाजपा के दावों में सच्चाई है। चलिए, तो आम जनता में कुछ लोगों से हमने बात की, एक शख्स ने कहा कि विकास के थोड़ा सा साइड हो जाए, उनका कहना है कि एक शख्स जो थे उन्होंने कहा कि विकास नहीं हुआ, बाकी दो लोग कह रहे हैं विकास हुआ है। आप अब आपके जो दावे थे वो तो जनता नकार रही है। नहीं, हम तो दावा क्या, ग्राउंड के ऊपर है ना, स्टेडियम की जनता रिकॉर्ड है उसके ऊपर, सब अन रिकॉर्ड चीजें हैं। पुलों की जो कार्रवाइयां शुरू हुई वो, आप इससे बड़ा दुर्भाग्य इस शहर के लोगों का क्या होगा। 10 साल कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ पे विधायक रहे, आप बताएं 22,000 मतदाताओं के नाम कैंटोनमेंट बोर्ड की सूची से बाहर कर दिए गए। अब आदमी अपना स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि यदि नहीं, पहले पहले तो विकास कहां मतदाताओं के, इस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने जो बोला कि आपने वो पुल बनाने का काम आपके टाइम पे शुरू हो गया था, आपने पास करा दिया था। आप पुल के पास जाएं, आप पुल से जो सर्विस रोड बनना चाहिए, आप बताएं सर्विस रोडों की कितनी दुर्दशा है, बनाई नहीं पा रहे। एक तरफ से रेलवे ने बोले रोक दिया, दूसरी तरफ से हमको बोला इन्होंने, धार्मिक स्थान था हमारा गीता भवन मऊ शहर का एकमात्र, उसमें भी हम लोगों ने बातचीत करके लोगों से और उसको जगह खाली करा के दे दी, आज तक सर्विस रोड नहीं बना पाए, दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके कारण। अगर सड़कों की बात भी करें, सड़कों की बात भी करें, सड़क आपने आसपास बना दी, आपने पुल बना दिया, लेकिन शहर में ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर हर शाम यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है, उससे निपटने के लिए आपने क्या किया अभी तक? कई बार ये चूंकि कैंट एरिया है और कैंट एरिया के अंदर पार्षद और जो यहाँ उपाध्यक्ष और ब्रिगेडियर होते हैं ये जवाबदार होते हैं, इसमें डायरेक्ट विधायक का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो मेंबर जरूर रहता है लेकिन पूरी जो उसका बोर्ड है ये मिलकर के इसकी व्यवस्था को यहाँ की देखता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने अभी तक इस संदर्भ में जो ठोस प्रयास किए जाने थे वो आज तक कोई भी प्रयास नहीं किए गए। अगर जो अतिक्रमण है मऊ शहर का, अगर उसको जब तक नहीं हटाया गया जैसा कि इंदौर में हटाए गए, ऐसे शक्ति के साथ में सारे अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तब तक इसका स्थायी समस्या का कोई निदान नहीं हो सकता। ठीक है, आप अतिक्रमण हटा दी, माना आपने अतिक्रमण हटा दिया, उनको विस्थापित करने के लिए आपके पास कोई प्लान है? उसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लगभग 30 बीघा जमीन है जो सीतापाट और मऊगांव क्षेत्र में है, उसके अंदर मल्टी बना करके उनको विस्थापितों को वहां बसाया जा सकता है, ये प्लानिंग में किया गया है। अब ये बता रहे हैं और जनता इनके दावों पे तालियां भी बजा रही हैं, ये विस्थापना की बात कर रहे हैं, ये अतिक्रमण हटाने के बाद ने कितने जो अतिक्रमण हटा दिए, गीता भवन को पूरा तोड़ दिया, सैकड़ों लोग हमारे बेरोजगार हो गए, हमने हटवा दिए कैंटोनमेंट ने, उसके बाद सर्विस रोड क्यों नहीं बनाया 10 साल में आपने? आज दुर्घटनाएं हो रही है, 2 मौतें हो चुकी है, एक बच्ची की गर्दन कट गई श्याम विलास चौराहे के वहां, एक बच्चा 14 साल का जो है दुर्घटना में उसकी डेथ हो गई, इकलौता बच्चा था उसके माता पिता का, गरीबों का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर क्या रहे हैं आप बताएं तो सही, शहर के अंदर सिर्फ कागजों के ऊपर विकास बहाने बनाते हैं साहब, कैंटोनमेंट बोर्ड ब्रिगेडियर होता है, स्थानीय पार्षद होते हैं, उपाध्यक्ष होता है, बोर्ड में भी तुम्हारा प्रतिनिधि है, तुमने बोला था कि हम साहब हमारा बोर्ड बनाओ, हमारा विधायक बनाओ, हमारा सांसद बनाओ, केंद्र में तुम्हारी सरकार, विधायक मध्य प्रदेश में तुम्हारी सरकार, कैंटोनमेंट बोर्ड तुम्हारा, उसके बाद आज तक 0% आपका क्यों विकास है शहर के अंदर, ये बहाने क्यों बनाते हैं आप? अंतर सिंह दरबार जो विधायक थे उन्होंने बोला था कि मैं शहर के अंदर सब करूंगा। अंतर सिंह दरबार यहाँ पर लंबे वक्त तक विधायक थे, किला माना जाता था आपका, कहीं ना कहीं काम में कमी होगी तब तो आपके किला को इन्होंने भेज दिया।
भाई अंतर सिंह दरबार ने 10 साल तक विधायक रह के खूब काम किए और उसके बाद धूल रहित कर दिए। 10 साल रहने के बाद एक बहुत बड़े आदमी को ये लोग लिया, खूब आभा मंडल बताया कि साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लोग भुलावे में आ गए, लकड़ी की हंडी चढ़ गई और लोगों ने फिर उसके बाद इस बार दी। इन्होंने काम किए होते तो मऊ क्यों छोड़ के जाते ही और नहीं जाते, मैं बताऊं 2500 करोड़ के यदि काम कोई विधायक बताएं, यदि किसी क्षेत्र में काम कर दे तो उसको क्षेत्र छोड़ के जाने की क्या जरूरत है। हम कुछ आम लोगों से जानेंगे, आम जनता थोड़ी सी आगे आए। भाई साहब आपका नाम क्या है? शैलेंद्र। आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, यहाँ पर पिछले 5 साल में 10 साल में विकास हुआ है, हाँ या ना? वास्तविक हकीकत की बात करें तो विकास में वो दम दिखा नहीं जो दिखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधेश्याम। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, यहाँ पर विकास हुआ है? विकास हुआ है और अच्छा विकास हुआ है। आप बताएं, मोहनलाल प्रजापति विकास हुआ है यहाँ पर? बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया विकास हुआ है। ठीक है, इस तरह भी जानते हैं लोगों से। आप क्या करते हो? मैकेनिक है। मैकेनिक हो, यहाँ पर विकास हुआ है पिछले 10 साल में? यहाँ पर आपको लगता है विकास हुआ है? हाँ जी हुआ, हुआ है, कम में हुआ है, बहुत हुआ है। ठीक है, देखिए जनता आपके दावों को सिरे से झुटला रही है। जनता कह रही है विकास हुआ है, कम से कम तो 8-10 लोगों ने यहाँ पर कहा। नहीं, कौन सा विकास हुआ है हमें पता लगे ना, ये सब यहाँ देख रहा है, ये मालवा मार्केट वगैरह सब कांग्रेस के टाइम का है। एक काम बताएं तो सही शहर के अंदर की इन्होंने। अगर आपने काम किया होता तो जनता ने आपको नकारा नहीं होता। नहीं नकारा ना जनता तो फिर साथ में है। अभी आप देखें ना, हम कम से कम 40,000 वोटों से चुनाव जीतने वाले। नतीजों पे पता चलेगा, अभी दावे करने। ठीक है, एक बार लकड़ी की हंडी चढ़ गई किसी प्रलोभन में आके कि साहब बहुत इंदौर में आभा मंडल इन्होंने दिखाया, मऊ आ गए, मऊ के लोगों ने जीता दिया, धोखा खा गए मऊ के लोग, बड़े बड़े इन लोगों ने जो झूठे वादे किए। एक मेरे को बताइए, 6,500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ये लेके आए थे JNRRU में, उसमें इन्होंने बोला था 650 करोड़ का काम हम मऊ शहर के अंदर करेंगे। मेरे को आप बता दीजिए, यदि इन्होंने 60 करोड़ का, 6 लाख का भी काम यहाँ मऊ शहर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपने 6 करोड़ क्या 6 लाख का काम भी नहीं किया। देखिए, ये अभी आप सबसे राय मशविरा कर रहे हैं, विकास विकास के लिए कोई इनकार कर रहा है क्या? नहीं, आप और इसमें नहीं, उसमें निश्चित हमारे पास आंकड़े हैं और आंकड़े के साथ में जितने रोड बने हैं वो शासकीय उसमें स्वीकृत और बने हुए रोड। आंकड़ों पर मैं आपको बता रहा हूँ, आदिवासी बेल्ट में चले जाइए, किसी समय वहां पर स्कूटर मोटरसाइकिल से लेकर 4 व्हीलर नहीं जा सकती थी, आज आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चाहे पाताल पानी चले जाओ, वो जाना पाओ में मुख्यमंत्री ने इतना विकास किया है। ये मऊ का एक एक बच्चा इस बात को आपने गाँव तक सड़क पहुँचा दी। कैलाश विजयवर्गीय ने ये वादा किया था कि वो 51 गांव तक पेयजल पहुंचाएंगे, नर्मदा नदी का पानी पहुंचाएंगे। पानी अभी तक सारे गांव में नहीं पहुंचा, ये आप भी मानते हैं? नहीं पहुंच गया, सारे गांव में पहुंच गया है। चोरल डैम से 56 गांव में पानी पहुंच चुका है और उसमें 8-10 गांव और जोड़े गए हैं जो उसमें छूट गए थे। ऐसे लगभग 62 गांव के अंदर पानी मतलब 56-58 में दे रहे हैं, लेकिन इन 10 गांवों के अंदर और जोड़ दिया गया है, इनको भी इस गर्मी के अंदर पानी मिल जाएगा। ठीक है, इनका दावा कि 56 गांव में पानी पहुंच गए हैं? कहीं भी नहीं पहुंचा, 6 गांव में भी पानी नहीं पहुंचा है। पूरी योजना ही इनकी अधूरी पड़ी हुई है, ये 10 साल से उस योजना को चला रहे हैं और पिछली बार भी वोट इन्होंने उसी योजना को बता के लिया कि हम 52 गांवों की इनकी योजना थी कि 52 गांवों में शहर में कैंटोनमेंट बोर्ड में 30 साल से हम पार्षद हैं। ये एक काम बताएं तो सही, यहाँ 5 रुपए का या 50 रुपए का इन्होंने काम किया शहर के अंदर? कोई काम नहीं किया शहर के अंदर, सिर्फ ये बहाने बनाते रहे, कैंटोनमेंट बोर्ड है, आर्मी का प्रशासन है। अरे अंतर सिंह दरबार विधायक थे जब भी आर्मी का शासन था और हमने खूब काम किए, कई मोहल्लों को टाल मोहल्ले से लेके तो कई मोहल्लों को हमने धूल रहित कर दिया अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में। आज भी काम कर रहे हैं हम लोग, बताएं सही। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं, शहर से लगा हुआ गाँव है हरसोला, हरसोले फाटे से लेके हरसोला गांव 3 किलोमीटर की सड़क है। आप चले जाएं सिवाय धूल के वहां पे कुछ दिखता ही नहीं है, कहाँ की सड़क है। ठीक है, अब इसकी राय भी जनता से ही ले लेते हैं। चाचा आप आ गए हैं, आ गया है, गांव तक पानी पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा। आपके गांव तक पहुंचा? पहुंच गया। हमारे गाँव के सरपंच, जबकि सरकार ने नल पानी दे दिया पर हमारे गाँव के सरपंच उससे डरते हैं कि बिल हमको ज्यादा देना पड़ेगा, इसके कारण उस पानी को भी नहीं लेते हैं, जबकि गांव के पास पानी है, गांव के पास पानी है, नल छोड़ चालू है, ये पेयजल पानी का छूटा हुआ है, नर्मदा लाइन का पानी आ गई, भरपूर नर्मदा आ गई, 24 घंटे पानी मिल रहा हमारे गांव में। इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? वो इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां का जो सरपंच है, जो वर्तमान में अभी वो सरपंच क्या करता है, वो पानी लेगा तो जनता को दिख जाएगा। अभी वो समस्या से जूझने के बोल रहा है, अभी तुम जूझो और कैसे भी
इस कार्य को रोको। वजह क्या है? सरपंच, सरपंच ऐसा क्यों नहीं होने दे रहा? वो इसलिए कि पानी पर्याप्त मिल जाएगा, जनता कहीं उस तरफ नहीं भग जाए। जनता उस तरफ नहीं भग जाए जो कैलाश जी ने वादा किया था, वो पूरा हुआ। सरपंच किस तरफ है? सरपंच कांग्रेस का है, इसीलिए वो एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया इन्होंने। जनता ने कहा कि सरपंच सरपंच कांग्रेस की तरफ है और वो नल चालू नहीं कर रहे हैं ताकि इन्हें योजना का फायदा मिल जाए, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है, पानी जनता कह रही है, आप जनता को नहीं झुठला सकते। पानी है ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ इन्होंने पाइप लाइनें डाली हैं। ठीक है, और जनता से पूछते हैं, पानी पहुँचा है? बिल्कुल पहुँचा, पानी पहुँचा। नर्मदा जी हमारे वहाँ आ गई है, 14 करोड़ की योजना सफल हो चुकी है और सब दूर घर घर पानी पाइप फिटिंग हो गए। जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है पानी पहुँचा है। ये नगर पंचायत की बात कर रहे हैं लोग, वो हरसोले की बात कर रहे हैं। नगर पंचायत में पानी गया है, अभी चालू नहीं हुआ। और सुनिए आप, मैं ये भी बता दूं, पहले आप उनका जवाब दें, सरपंच पानी क्यों नहीं चलवा रहा? पानी होएगा तो चलवाएगा ना, वहाँ कह रहे पानी है, पाइप लाइनें डाली है, पाइप लाइनें डाली है, पानी है। आप कॉमन सेंस रहे हैं, नल खोलने पे पानी आता नहीं है, लेकिन नहीं आता, नहीं आता है। पीने योग्य पानी नहीं है, चोरल डैम का पानी है वो, जिसमें कई लाशें पड़ी रहती हैं, लोग गंदगी फैलाते रहते हैं। इनका कहना है पानी पहुंचा, लेकिन एक बात पहले आप एक बात सुनिए, पहले आपने कहा पानी नहीं है, फिर आपने कहा पानी है लेकिन पीने योग्य नहीं है। पहले आप अपने फैक्ट्स को सही चेक करें। अब मैं नहीं नहीं अब आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? अगर ये कह रहे हैं पानी पहुंचा, वो भी कह रहे हैं पानी पहुंचा, पानी पीने लायक नहीं है ऐसा दावा है, इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए GSTI से आपको मालूम है, शासकीय किसी भी योजना का जो पानी होता है उसको टेस्ट करने के लिए GSTI भेजा जाता है। जब वो पीने योग्य सिद्ध होता है और उसका हमको राइटिंग में वहां से सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही हम पानी का सप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट रूल है, उसके बगैर पेयजल के लिए कोई पानी हम सप्लाई नहीं कर सकते जो हानिकारक है। उनकी शिकायत है नल पहुंच चुका है, पानी पहुंच चुका है, सरपंच नल नहीं चालू करने दे रहा। आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे कि उस गरीब के घर तक पानी पहुंचे? वो सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको हटाएंगे वहां से। चलिए ठीक है भाई साहब, आप इनसे जवाब जरूर मांगेंगे, उन्होंने कहा है सरपंच को हटाएंगे, ठीक है? और एक और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ग्रामीण वोट बैंक आपका बहुत तगड़ा है, शहर में आप थोड़े से कमजोर पड़ते हैं, शहर को कांग्रेस ने साथ रखा है। आपने शहर में ऐसा काम क्या किया कि आप शहर के लोगों से आप वोट मांग सके? शहर के अंदर मुख्य रूप से बेरोजगारी की समस्या है और जो नवयुवक है बेरोजगार है, उसके लिए कोई ना कोई उद्योग की, जैसे यहाँ आलू बहुतायत में पैदा होता है, अगर यहाँ कोई कारखाना आलू से संबंधित डाला जाए उसकी। अच्छा हुआ आपने आलू की बात कर दी, कैलाश जी ने यह भी कहा था कि यहाँ पर आलू बहुत उत्तम तरीके का होता है और आलू। तो इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से एक मऊ विधानसभा, और ऐसे में मऊ की जनता क्या चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों से, और जनप्रतिनिधियों की क्या दलीलें हैं लोगों को अपनी तरफ करने के लिए? कि आपको 10 साल लग गए सिर्फ योजना बनाते बनाते। योजना तो बन गई थी, किसानों ने उसमें सहमति नहीं दी, अपनी भूमि देने को तैयार नहीं, खुद पार्टनर बनने को तैयार नहीं। और अभी आप कॉन्फिडेंट तो है कि मान जाएंगे? हाँ, अब तो निश्चित रूप से मानेंगे अगर उनको समझाई देंगे और मदद करेंगे हम लोग भी। आप ऐसे निश्चित तौर पे कैसे दावा कर सकते हैं? अभी तो आपने कहा कि नहीं मान रहे थे। नहीं मान रहे थे उस समय, लेकिन अभी जो बात हुई है और अब मेंबर भी बन गए हैं और उन मेंबरों ने कहा कि हम शहर में जो युवा बेरोजगार है, जो मजदूरी करने पर है, जो अनस्किल्ड लेबर है, उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए पीतमपुर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाने के लिए ITI चालू करके और उसमें रोजगार उनको प्रशिक्षित करके और उनको पीतमपुर में लगाने का वो जो बीड़ा है उसको हम लोगों ने उठाया है। इस विधानसभा चुनाव के बाद में उसको चालू करके और सारे लोगों को रोजगार देने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, इनका दावा है कि ITI के जरिए ये युवाओं को स्किल्ड बना रहे हैं और ये नौकरी देने का दावा कर रहे हैं। नहीं, शहर के अंदर कहाँ पे ITI खोल रहे हैं ये बताएं? पीतमपुर में कह रहे हैं ये, पीतमपुर धार जिले में। मैं आपको बता दूं, इनकी जानकारी भी दुरुस्त कर दें, आप अपनी भी कर लें, क्योंकि पीतमपुर जो है धार जिले में है, हम इंदौर जिले में है, महू के लोग हैं। महू की आप बात करें, कहाँ पे ITI का स्किल प्लांट ये लोग डाल रहे हैं? महू में आज तक इस तरीके की कोई बातें नहीं करी इन्होंने, हमने जगह दे दी इन्होंने इनको प्राइमरी स्कूल के अंदर कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर ले, या इनके प्रिंसिपल डायरेक्टर को लाए, उसके बाद उन्होंने आज तक सिर्फ लाते हैं, प्रोजेक्टर बताते हैं, जनता से वाहवाही लेते हैं, पेपरों में छप जाता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किसी तरीके का आज तक होने पाया है। एक भी रोजगार बेरोजगार के लिए इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उसके लिए कोई इन्होंने प्रयास नहीं,
हम लोग कैंटोनमेंट के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा चल रहा है हमारी प्राइमरी स्कूल के अंदर, उसके अंदर सैकड़ों बच्चियां गरीब बच्चियों को हम लोग फ्री ऑफ कास्ट जो है बिना किसी फीस लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं उनको, हम लोग जॉब गारंटी भी दे रहे हैं, प्लेसमेंट भी हो रहा है उन बच्चियों का। अभी तक कितनी बच्चियों का प्लेसमेंट आपने किया? कम से कम पिछले दो साल के अंदर हमने कम से कम 40 से 50 बच्चियों का, जो बिल्कुल गरीब बच्ची है, हैंड टू माउथ, बिल्कुल निचली बस्तियों से जो आती हैं बच्चियां, 40 50 बच्चियों का उनका जो है हम लोग वो प्लेसमेंट करा चुके हैं, और कम से कम 400-500 बच्चियां जो अपने घरों पे रोजगार चला रही हैं, सिलाई का करके, अगरबत्ती बना के, ब्यूटी पार्लर चला के, उस तरीके की कम से कम 250 से 500 बच्ची हैं जिनको हम लोग स्किल डेवलपमेंट में और उनको ट्रेन कर चुके हैं। ठीक है, आपके दावों को सराहा जाएगा, लेकिन फिर से आम जनता के पास चलते हैं और से पूछते हैं कि यहाँ पर रोजगार के लिए इन लोगों ने अभी तक आपको लगता है कि रोजगार के लिए व्यापक तौर पर इन्होंने काम किया और युवा को रोजगार दिलाने का उन्होंने कोशिश की है? जैसे शुक्ला जी ने अभी बताया है कि मतलब पीतमपुर में जो चल रहा है उसके लिए निरंतर प्रयास कर जा रहे हैं। यहाँ पर शहर में जो युवा है बेरोजगार है, आपको लगता है उनके लिए व्यापक योजनाएं बनाई गई? नहीं बनेगी ना, आगे भी चलेगी चर्चा और हो रहा है इस पे हमारे बिल्कुल। आपको लगता है कि आपके युवाओं को आगे चल के रोजगार मिलेगा इनकी योजनाओं से? नहीं अभी तो लग नहीं रहा है फिलहाल, क्योंकि कोई योजना ही नहीं इन लोगों का, नहीं ये तो भ्रमा की स्थिति उत्पन्न करा दी, बता दिया गया गाँव छोटे बस्ती से लाइए। चलिए जनता की भी आपने सुन ली। एक आखिरी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो था, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि को बनाएंगे सिविल एरिया को लेकर के जो उनका दावा था 10 साल में, आप इसका जवाब दे, 10 साल में अभी तक उन्होंने इसको लेकर क्या प्रयास किया, और ये अगर प्रयास किया अभी तो कहां तक पहुंचा है? संक्षिप्त में जवाब देंगे। सिविल एरिया के लिए पत्र भी आ गया यहां पर विस्तार के लिए रिव्यू कमेटी का, लेकिन चूंकि आचरण संहिता लग गई चुनाव की, इस पूरे 10 साल में कैलाश जी के प्रयासों से ही इतना संभव हो पाया ये है। मनोहर पर्रिकर साहब ने ये पहली बार, आपको बता दूं, मतलब क्या ये एकदम चुनाव के तुरंत पहले करने की क्या जरूरत? नहीं नहीं नहीं, आपको बता दूं मैं आपको कि 4 साल में सेंट्रल में गवर्नमेंट को, 10 साल में 5 साल अगर देखा है तो मनमोहन सिंह जी थे, उसके पहले 70 साल से कांग्रेस सरकार बैठी थी। ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, आपका क्या दावा, इनके प्रयास में कितनी सच्चाई है? इनके प्रयास में कोई दम नहीं है, एट ए टाइम कोई काम नहीं होता, अगर करने वाले होते तो शुरू में कर लेना था। चलिए ठीक है, एक एक है से, एक एक आखिरी सवाल, 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 इस बार आप जनता को क्या वादे कर रहे हैं जी? इस बार एक मिनट, इस बार जनता को आप क्या वादे करके वोट मांगेंगे? देखिए, जनता के लिए सदैव रोजगार से संबंधित सबसे ज्यादा आवश्यकता यहाँ है किसान भाइयों को, और जो अनस्किल्ड यहाँ पर लेबर है उसको स्किल्ड करके और उसको पीतमपुर के अंदर उससे अच्छा कोई जॉब हो ही नहीं सकता कि उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाए, और जो उनके मानसिकता है कि किस टाइप का उनको लेबर चाहिए उनको। बड़ा मुद्दा यहाँ पर मानते हैं, उस मुद्दे पे मांगेंगे आप यहाँ पर जनता को क्या वादे करके जनता से वोट मांगेंगे? हम लोग जी नर्मदा का जो पानी कैलाश विजय वर्गीय जी ने वादा किया था वो आज तक नहीं करा, एक तालाब महू तहसील के अंदर नहीं बना, इसका जवाब ये वो सारे काम हम करेंगे। नर्मदा का पानी लेके आएंगे, गंभीर में डालेंगे, चंबल में डालेंगे, चोरल में डालेंगे, बेरचा एमआर रेंज के किसानों की इनने पुनर्वास और मुआवजे की समस्या पे हाथ नहीं डाला। मैं 3 बार कैलाश विजय बहुत सारा काम उसके ऊपर कर चुके हैं, एक पत्र सिर्फ इनके रक्षा मंत्री का मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। शहर का सर्वांगीण विकास करेंगे, और किया है पहले भी, आने वाले समय में भी स्किल डेवलपमेंट शुरू करेंगे, आईटीआई शुरू करेंगे, प्रोग्राम हमारे पास है आईटीआई के जिसको हम लोगों ने बना लिया था, 10 साल में ये लोग उस आईटीआई को चालू भी नहीं। तो इनका कहना है कि विकास इन्होंने किया, इनका कहना है शुरू कर दिया था उसका श्रेय लेकर के जा रहे हैं। भाजपा दावे कर रही है कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार देगी और उन्होंने इसके लिए काम शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ खोखले वादे हैं, और इनका ये वादा है कि जो काम बीजेपी ने अभी तक छोड़ा है उसको वो आगे पूरा करेगी। आपको बता दें कि हमारा अगला पड़ाव होगा हरदा, जहां हम इसी प्रकार शाम 5 बजे बड़ी बात में जनता के सवालों को उठाएंगे और उनके जवाब उनके जनप्रतिनिधियों से लेंगे। जी धन्यवाद।